गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. नाउ इन माई प्रीवियस वीडियो आई हैव टोल्ड यू अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री. तो यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस, जो कि चैप्टर का नाम रहेगा हाइट्स एंड डिस्टेंसेस. सो पहले सबसे पहले हम समझ लें यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम जानते हैं. पहले हम जानेंगे लाइन ऑफ साइट क्या होती है. लाइन ऑफ साइट वो होती है कि जहाँ तक हम देख सकते हैं. मान लें कि यहाँ पे एक ओ क्या है, ऑब्जर्वर है, और वो पॉइंट पी तक देख सकता है. तो जहाँ तक वो देख सकता है वो जो लाइन कहलाएगी वो लाइन हमारी कहलाएगी लाइन ऑफ साइट. इट मीन्स द ऑब्जर्वर वेयर ही कैन एबल टू सी द ऑब्जेक्ट दैट पाथ ऑफ लाइट इज नोन एज द लाइन ऑफ साइट. सेकेंड टॉपिक इसमें आता है एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है पॉइंट ओ पे, ये हमारा पॉइंट पी है जहाँ तक वो देख सकता है, तो ओ पी तो हमारी लाइन ऑफ साइट हो गई. तो यही लाइन ऑफ साइट ओ पी जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जब ये एंगल बनाएगा, जब ऑब्जर्वर ऊपर की तरफ देखा होगा, अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे है और ऊपर की तरफ वो देख रहा है, तो जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में, तो वो कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन. मान लेते हैं कि अब यहाँ पे हैं तो हम ऊपर देख रहे हैं एरोप्लेन पे, या फिर हम हाइट ऑफ ट्री देख रहे हैं ऊपर, तो हमारा जो एंगल बन रहा है वो हमारा बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन. सेकेंड इसमें आ रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, जस्ट इसका अपोजिट हो गया. मान लेते हैं कि ऑब्जर्वर हमारा यहाँ पॉइंट ओ पे है और ये नीचे की तरफ देख रहा है, तो ये ओ पी लाइन ऑफ साइट है जहाँ तक वो देख सकता है. तो ये जो एंगल बनेगा विद द हॉरिजॉन्टल, जब ऑब्जर्वर नीचे की तरफ देखेगा, तो वो एंगल हमारा कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है, ऊपर की तरफ देखने पे जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, और नीचे की तरफ जब देखने पे एंगल बनता है तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है. तो यही कुछ इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स थे जिसके बेस पे अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम आते हैं अब क्वेश्चंस पे, अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और सॉल्व करते हैं. अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ दिया है, अ वर्टिकल पोल स्टैंड्स ऑन द लेवल ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड ट्वेंटी फाइव मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ पोल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज फाउंड टू बी 60 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. हमें हाइट ऑफ पोल यहाँ पे निकालनी है, जहाँ पे हमें रूट थ्री की वैल्यू लेनी होगी 1.732. अब क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा लेंदी है बट है बहुत ही ईजी, और क्वेश्चन जब भी पढ़ेंगे तो उसके बाद हम डायग्राम बनाएंगे. विदाउट डायग्राम वी कांट एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. क्वेश्चन कह रहा है अ वर्टिकल पोल स्टैंड्स ऑन द लेवल ग्राउंड. एक ग्राउंड है जहाँ पे ये पोल खड़ा है, ठीक है. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ पोल. तो इसको जोड़ देते हैं अगर, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, और ये हम जान रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा हम राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई कर सकते हैं. तो ये हमारा मान ले ओ है, ये पी है, ये क्यू है, ये हमारा 90 डिग्री हो गया. अब क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड
25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए पोल. तो ग्राउंड ये है, फुट ऑफ अ पोल ये हो गया, ग्राउंड ये, फुट ऑफ ए पोल. तो टोटल हमारा ये लेंथ क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा हो गया 25 मीटर. और कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल हमारा हो गया, यहाँ से देखा जा रहा है तो एंगल हो गया यहाँ से 60 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमको ये हाइट निकालनी है. मान लेते हैं कि ये हमारी हाइट एच है, हमको यही कैलकुलेट करना है. अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हम यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला, tan 60 लगाते हैं अगर, तो tan 60 की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो हम देखेंगे कि हम tan से निकाल सकते हैं इजिली, या sin से निकाल सकते हैं, या cos से निकाल सकते हैं. जनरली ज़्यादातर क्वेश्चन में tan वाले ही लग जाते हैं. तो अगर यहाँ पे tan 60 लेते हैं तो tan 60 की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो ये परपेंडिकुलर हो गया, दैट इज़ OP, और बेस हमारा हो गया OQ. तो tan 60 की वैल्यू हमें मालूम है, tan 60 की वैल्यू होती है रूट थ्री, और OP तो हमें कैलकुलेट करना है, ये वैल्यू हमारी H है अपॉन OQ है 25. अब H कैलकुलेट करना है तो ये 25 इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो H हो गया 25 इंटू रूट थ्री. एच की वैल्यू हो गई 25 इंटू 1.732. यहाँ पे हमें 1.732 रूट थ्री की वैल्यू लेनी है, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने पे 43.3 मीटर. तो ये हो गया. इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को, हाइट्स एंड डिस्टेंस के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, और अब हम आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे. तो अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहा है कि अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल. तो एक लैडर है, लैडर तो इस तरह से लगाई जाएगी किसके, वॉल के सहारे. ये वॉल हो गई, वर्टिकल वॉल हो गई, ये लैडर हो गई. इसको हम जोड़ देते हैं तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा. मान लेते हैं ए है, बी है और सी है. लैडर तो किसी वॉल पे स्लांटिंग लगती है, इंक्लाइंड प्लेन पोजीशन पे लगती है, तो लैडर हो गई, ये वर्टिकल वॉल हो गई. ठीक है, अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग, तो लैडर की लेंथ दी हुई है, टोटल ये लेंथ दी है यहाँ से 15 मीटर. जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ अ वॉल इफ़ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल. अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है, लैडर जो एंगल बना रही है वो बना रही है 60 डिग्री विद द वॉल, ग्राउंड के साथ नहीं बना रही है, वॉल के साथ बना रही है. ये वॉल है तो ये एंगल इसका हो गया 60 डिग्री. और फाइंड द हाइट ऑफ द लैडर, ये हाइट हमें कैलकुलेट करनी है, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल. ओके, अब देखते हैं हाइट कैसे निकाल सकते हैं. ये एंगल तो हमारा 90 हो गया, ये 60 है, तो 90 माइनस 60 ये एंगल हमारा आ जाएगा 30 डिग्री. ठीक है, ये एंगल हमारा 30 आ गया. अब हाइट निकालने के लिए अगर हम यहाँ पे tan अप्लाई करते हैं, अगर हम tan अप्लाई करें तो tan 30 होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस तो दिया ही नहीं है तो tan अप्लाई नहीं कर पाएंगे. तो अगर हम sin अप्लाई करें, sin 30 डिग्री, sin अप्लाई करें तो sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज, बिकॉज हाइपोटन्यूज दिया है हमारे पास. इसलिए हमने कहा था कि कुछ क्वेश्चन में tan, sin, cos वो हमें देखना पड़ता है कि वैल्यूज़ क्या दी हुई हैं, उस हिसाब से हम अप्लाई करते हैं. तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा ये AC, और हाइपोटन्यूज हो गया हमारा AB. तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, AC हमारे पास कैलकुलेट करना है जो कि H है, और AB की वैल्यू हमारे पास है 15. 15 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1/2 इंटू 15 इज इक्वल्स टू एच. यहाँ से हमारी एच की वैल्यू आ जाएगी 7.5 मीटर. तो जो हमारी वॉल थी उसकी हाइट आ गई 7.5 मीटर. तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE 2013 में पूछा गया ये क्वेश्चन है. अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे. अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यहाँ पे ये दिया हुआ है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड. क्वेश्चन थोड़ा देखने में लेंदी होते हैं हाइट्स एंड डिस्टेंस के, बट होते बहुत ही सिंपल हैं. तो क्वेश्चन कह रहा है कि अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच टू अ काइट इज टेम्पोरेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. तो हम फिगर बनाते हैं, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड. तो 60 मीटर जो है
ऊपर वो फ्लाई कर रही है, तो ये 60 मीटर हो जाएगा। ये स्ट्रिंग हो जाएगी काइट की जिससे अटैच्ड है, इसको जोड़ देते हैं तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। मान लेते हैं ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, 90 हो गया। अ काइट इज़ फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, यहाँ से काइट फ्लाई कर रही है, ये इसकी स्ट्रिंग हमेशा इंक्लिनेशन फॉर्म में जाती है। स्ट्रिंग अटैच टू अ काइट इज टेम्पोरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यहाँ पे ग्राउंड पे इसकी स्ट्रिंग अटैच्ड है। इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, तो स्ट्रिंग ये हो गई, इसका इंक्लिनेशन यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 60 डिग्री ग्राउंड के साथ, तो ग्राउंड के साथ हो गया 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमको ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालनी है। मान लेते हैं हमारी ये एल है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये हमें कैलकुलेट करना है। एज्यूमिंग दैट देर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, स्लैक मतलब कोई गांठ बीच में नहीं है, वो नहीं है इसमें, यानी कि एक पूरी सिंपल सीधी स्ट्रिंग है, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से अगर हम टेन अप्लाई करते हैं, टेन की वैल्यू हो गई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस आ जाएगा, हमें चाहिए क्या, हाइपोटन्यूज चाहिए, बिकॉज 90 का अपोजिट वाला हाइपोटन्यूज हो गया और स्ट्रिंग एक हाइपोटन्यूज फॉर्म कर रहा है राइट एंगल ट्रायंगल का। तो अगर हम साइन अप्लाई कर दें यहाँ पे, साइन 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटन्यूज, तो परपेंडिकुलर हमारा हो गया ए बी और हाइपोटन्यूज हमारा हो गया ए सी। यही ए सी हमें कैलकुलेट करना है, जो कि ए सी हमने एल माना हुआ है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है रूट 3/2 इज इक्वल टू ए बी, ए बी हो गया 60 अपॉन ए सी को हमने एल मान लिया है। उसके बाद ये इधर चला जाएगा रूट 3L इज इक्वल्स टू 60 अपॉन 60 इंटू टू, रूट 3L 60 इंटू टू हमारा हो गया 120 और L की वैल्यू आ गई 120 अपॉन रूट 3। अब इसको हम रैशनलाइज कर देते हैं, अगर तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में रूट 3 से मल्टीप्लाई किया, L आ गया 120 रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो गया, बिकॉज स्क्वायर हो जाएगा तो रूट गायब हो जाता है, 3 1 जा 3 4 जा, तो L की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ से 40√3 मीटर। तो यही हमें निकालना था, रूट थ्री वैल्यू अगर चाहें तो रख दे 1.732, वहाँ से हमें डेसिमल में आ जाएगी, तो हम यहाँ पे भी लीव कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रूट्स, तो हमारा आंसर आ गया 40√3 मीटर, और ये रहेगी लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। सो दीज आर सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन हाइट्स एंड डिस्टेंसेज। In my next video, I will come with some more questions that will be your little bit higher level. Thank you.